हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चिरंजीत, मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ एक डॉल स्टार्टर पीएलसी का थ्रू कैसे आप बना सकते हैं। तो मैं आज यूज़ करूँगा उसके लिए सीमेंस का TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ वो आपका सीमेंस पीएलसी के लिए है। तो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट ए डॉल स्टार्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ डॉल। इसके बाद हमको डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं एक नया डिवाइस ऐड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कंट्रोलर है, HMI है, PC सिस्टम है। तो कंट्रोलर में हम जाएंगे और हम जिस PLC से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, मतलब आपके पास जो भी PLC अवेलेबल है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं 1500 सीरीज़ का कोई भी एक CPU लेके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ मैं एक बहुत सारा PLC है जिसमें से C4 कॉम्पैक्ट, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए आप बाकी PLCs है, फेल सेफ PLCs है। तो मैं एक नॉर्मल जो है 2 प्रोफिनेट वाला PLC ले लेता हूँ जिसमें आपका 2 प्रोफिनेट रहेगा। प्रोफिनेट मतलब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो प्रोफिनेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका फार्मवेयर वर्जन दिया हुआ है और ऑर्डर ID, और जिसको हम आर्टिकल नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप इस नंबर से आप PLC को ऑर्डर कर सकते हैं सीमेंस के थ्रू। और यहाँ आपका PLC का डिस्क्रिप्शन है, तो इसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊँगा, ये क्या होता है जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो सब के बारे में। तो अभी हम ये जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है उसी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप अगर HMI बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप HMI सिलेक्ट करेंगे, या इंजीनियरिंग स्टेशन बनाना है तो PC सिस्टम के ज़रिए जाएंगे। तो हम तो सिर्फ अभी प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए मैं PLC सिर्फ लिया। बाद में आप लोगों को HMI के थ्रू भी दिखाऊंगा HMI बनाना है कैसे बनाते हैं। तो ये आ गया हमारा 1500 का PLC जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 3 प्रोफिनेट है जिसमें से एक आपका सेम नेट IP के लिए है। ये इसमें आप देख सकते हैं नीचे जाके कि इसका एक डिफ़ॉल्ट IP लिया है, उसका आप यहाँ से चेक करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका IP एड्रेस, देखिए यहाँ पे है 192.168.0.1। तो ये आपका नेटवर्क ID है 192.168.0, और ये 1 ये आपका होस्ट के लिए यूज़ होगा जो, और दूसरा जो होगा उसमें आपको नेटवर्क ID दूसरा मिलेगा, देखिए यहाँ पे 192.168.1। तो इसको हम यूज़ करेंगे आपका इंजीनियरिंग स्टेशन जो प्रोग्रामिंग करने के लिए, और जो मेरा ये 0 सीरीज़ है उसको हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम के लिए। ओके, तो चलिए अभी एक इनपुट आउटपुट ले लेते हैं जो आपको साइट में दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम एक DI DO कार्ड ले लेते हैं। आप लोग को पता ही होगा DI क्या होता है, DO क्या होता है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, 32x24 मतलब ये 24 वोल्ट DC का टोटल 32 बिट का कार्ड है। तो मैं यहाँ से जस्ट डबल क्लिक करूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक DI कार्ड आ गया। अब इसका भी अगर आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो यहाँ भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे टोटल कितना एड्रेस यूज़ किया है। ये देखिए DI 32x24 वोल्ट DC। ओके, यहाँ आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग एड्रेस है 0। तो यहाँ हम लोग का जो डिजिटल है, डिजिटल कार्ड है, तो यहाँ आप मतलब टोटल एड्रेस कितना हो गया, 0.02 3.7, टोटल आपका 32 बिट का कार्ड है ये। नेक्स्ट एक सेम DO कार्ड यूज़ कर लेते हैं, यहाँ DI को छोड़ के DQ। आप जो DQ देख रहे हैं वो आपका DO कार्ड है, Q फॉर आउटपुट। यहाँ भी हम सेम 24 वोल्ट ही लेंगे 32 बिट का, इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो मेरा ये सेंट्रल रैक पे आपका 2 कार्ड आ गया, एक DI एक DO।
तो मुझे एनालॉग कुछ ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं ले रहा हूँ, फिर प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। तो अभी मैं डॉल बनाऊंगा, जिसके लिए मैं एक पीएलसी टैग बना लेता हूँ पहले, उसका डिस्क्रिप्शन मुझे कितना इनपुट आउटपुट चाहिए। तो ये आप पीएलसी टैग में जाएंगे, ऐड न्यू कर सकते हैं या सो ऑल करेंगे, जो भी करना है आपको। तो मैं सो ऑल करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बटन्स ले लेता हूँ, एक स्टार्ट बटन्स ले लिया, स्टार्ट इनपुट। तो इसके लिए एक देखिए ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट एड्रेस ले लिया i0.0, क्योंकि ये मेरा फास्ट एड्रेस है। फिर मैं एक स्टॉप लूँगा, या एक इमरजेंसी बटन भी ले लेता हूँ। और एक आपका कमांड ले लेता हूँ, कमांड मतलब आपका जो कॉन्टैक्टर को पिक करने के लिए जो कॉइल को जाएगा वो, तो वो तो डीओ होगा। बाकी तीन देखिए ये सब आई में आ गया है, तो मैं इसको डीओ है तो आपको, या आई नहीं होगा ये क्यू होगा, तो मैं यहाँ क्यू सिलेक्ट कर देता हूँ। और मेरा आउटपुट एड्रेस भी 0.0 से ही स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसको इनिशियल एड्रेस ही ले लेता हूँ। आप चाहे तो वो 0.0 से लेके 3.7 तक कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका हार्डवेयर एड्रेस में है, पर मैं इनिशियली एक ही बिट लेता हूँ। ओके, तो मेरा ये हो गया पीएलसी टैग। अभी मैं क्या करूँगा, इसका प्रोग्राम बनाऊँगा। तो उसके लिए मुझे जाना है प्रोग्रामिंग ब्लॉक में। तो ये देखिए मेन ओबी ऑलरेडी आप जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ये आ जाता है, और मेरा जो पीएलसी है, आप लोग जो भी सीमेंस का पीएलसी से आप प्रोग्राम बनाएंगे, वो आपका OB1 जो है, ये OB1 को ही स्कैन करता है। तो आप कुछ भी प्रोग्राम, कोई भी FB या FC में कुछ भी में बनाइए, वो आपको OB1 में कॉल करना होता है, या फिर आप OB34, OB35 ये सब में भी कर सकते हो, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं OB1 में ही करता हूँ, क्योंकि ये एक बेसिक मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो OB1 में ही मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक नेटवर्क है, मैं लैडर में प्रोग्राम बनाऊंगा, और बाद में मैं दिखाऊंगा कैसे STL में भी बनाते हैं। तो ये मैं एक इनपुट लिया, स्टार्ट स्टॉप भी लेना है, तो मैं दो NC लिया, एक आपका इमरजेंसी के लिए डिफाइन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इमरजेंसी में जो लिया था वो ऑटोमेटिकली नीचे दिखा रहा है। और इमरजेंसी जो था, मेरा इनपुट नंबर था i0.2, ये ले लेता हूँ मैं स्टॉप पुश बटन, वो भी आपका NC में ही होता है, जब भी आप स्टॉप दबाएंगे ये NO बन जाएगा, मतलब ये हमको ऑल टाइम 1 भेज रहा है, जब भी ये 0 होगा तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ मैं ले लेता हूँ एक स्टार्ट बटन, या पुश बटन से भी बना सकते हैं, पर मेरे पास अभी फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मैं आपको सिमुलेशन में टेस्ट करके दिखाऊंगा वर्चुअली। ये हो गया मेरा कमांड। तो इसके लिए एक लैचिंग भी लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मैं कमांड दे दूँगा, इसी से लैच होगा। तो मेरा ये प्रोग्राम रेडी हो गया, और मैं OB1 में ही प्रोग्राम बनाया हूँ, तो मुझे और कहीं पे कॉल करने का भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक वर्चुअल पीएलसी मतलब सिमुलेशन ऑन करके उसमें डाउनलोड करेंगे प्रोग्राम को, फिर चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। ये पूरा जो सॉफ्टवेयर पैकेज है आप डाउनलोड कर सकते हैं सीमेंस का वेबसाइट से, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। और ये एक हैवी सॉफ्टवेयर है, मतलब करीब 7-8 GB का सॉफ्टवेयर है, तो आपको अच्छा खासा नेट भी ज़रूरत होगा इसको डाउनलोड करने के लिए। ये मेरा वर्चुअल जो पीएलसी है ये आ गया अभी स्क्रीन पे, तो आप यहाँ से इसको रन में डाल सकते हैं। ठीक है, मैं पहले ये स्लॉट सिलेक्ट करता हूँ, एक नंबर स्लॉट से मैं पीएलसी सिमुलेशन को सर्च कर रहा हूँ कि ये पीएलसी एक दिखाएगा। देखिए मैं जो प्रोग्राम बनाया हूँ उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है ये थ्रू, ऊपर देखिए प्रोफीनेट, ये प्रोफीनेट से ज़रिए कम्युनिकेट कर रहा है। ये सेम आप जब फिज़िकली भी करेंगे तब भी ये आपको सेम प्रोसेस करना है। ये देखिए मेरा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो रहा है, फिर जो पीएलसी में डाउनलोड होगा।
प्रोग्राम सही नहीं है तो स्टॉप मोड में चला जाता है। अभी प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है तो देखिए ग्रीन बटन आ गया। तो अभी मैं इसको गो ऑनलाइन कर लूँगा। फिर वॉच ऑन करेंगे फिर रेडी हो जाने के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका इमरजेंसी जो आपका एनसी में वो ऑलरेडी आ रहा है, स्टॉप बटन भी आ रहा है। हम स्टार्ट दबाएंगे तो आपका ये कॉन्टेक्टर पिक करेगा जो डॉल के लिए है। तो इसमें आपको सिमुलेशन में प्रोग्राम को अपलोड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये प्रोजेक्ट व्यू में लाना पड़ेगा सिमुलेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसको। तो मैं यहाँ क्लिक करके सिमुलेशन को ला रहा हूँ। इट विल टेक सम टाइम। ये आप देख सकते हैं ये जो है सिमुलेशन का प्रोजेक्ट व्यू है। यहाँ आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ भी आपका डॉल सिमुलेशन बोल के नाम लिख दे रहा हूँ, फिर क्रिएट करता हूँ। ये क्रिएट करने से ऑटोमेटिक आपका जो हार्डवेयर प्रोग्राम बना हुआ है, जो आप सॉफ्टवेयर में बनाए हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और एक वर्चुअल पीएलसी की तरह दिखेगा। आप यहाँ से वो कोई बिट को हाई लो कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि ये कोई फिज़िकली आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, पुश बटन कॉन्टेक्टर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं सिमुलेशन ऑन करके आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए स्कैनिंग इंटरफेस पीएलसी हो रहा है, जो आपका बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम चल रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन को ये अपलोड करेगा। ये देखिए आपका प्रोग्राम को अपलोड कर रहा है सिमुलेशन में। ये पूरा पूरी अपलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। ये आपका रेडी हो चुका है। आप स्टार्ट में जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आप प्रोग्राम बनाए थे तो यहाँ पे आपका शो करेगा। यहाँ मैं एक सिमुलेशन टेबल में टेबल बना लेता हूँ जिसको मुझे फोर्स करने का ज़रूरत है। यहाँ पे मैं स्टार्ट ले लेता हूँ जो मैं बनाया था। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखते ही आ जाएगा, या एड्रेस लिख के भी ला सकते हैं। तो फिर एक लिखने के बाद आप जब इसको लोड प्रोजेक्ट में क्लिक कर देंगे ये बाकी सबको ऑटोमेटिकली ले लेता है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ स्टार्ट स्टॉप है बटन्स। आप इसको फोर्स करने के लिए हमको क्या करना है, ये फॉल्स को आपको वन करना है, वन फोर्स करना है तो वन करेंगे। अगर किसी चीज़ को ज़ीरो करना है तो यहाँ से आप फॉल्स करके अगर ट्रिगर कर देंगे तो वो आपका हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे। तो ठीक है, मैं नीचे ले लेता हूँ प्रोग्राम के नीचे, आप ऊपर में प्रोग्राम तो देख रहा होगा। तो मैं देखिए यहाँ पे जो थोड़ा साइड कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं अभी स्टार्ट पुश बटन जो है उसको मैं फोर्स करूँगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे ट्रू लिखना है, या फिर आप वन लिख के भी एंटर करेंगे वही तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ मैं हाई कर दिया। तो देखिए आपका प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो गया। स्टार्ट दबाने से आपका कमांड चला गया। अभी मैं स्टार्ट को विथड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए ये लैच होके बैठ गया है, जो कि आपका आप हार्डवेयर में डॉल सर्किट जैसे बनाते। तो अभी हमको स्टॉप करने के लिए क्या है, या आपको इमरजेंसी या स्टॉप जो पुश बटन है उसको आपको फॉल्स करना है, वो कंटिन्यू हाई आता है क्योंकि ये एनसी है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप पुश बटन को ज़ीरो कर रहा हूँ। तो देखिए आपका ये प्रोग्राम जो है अभी काम कर रहा है।